तो हेलो वांशु लवर्स एंड ईशान लवर्स, और थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे कमेंट्स के लिए। और मुझे अच्छा लगा कि आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो और आप बहुत हैप्पी हो मेरे बारे में जानकर। तो चलिए इस क्यू एंड ए वीडियो का पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा था मैं फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। तो मैंने कहा था मैं इस वीडियो के साथ मर्ज करके बताऊँ, मीन्स एक और मेरे क्यूट से सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा था, तो मैंने कहा था मैं उनके साथ मर्ज करके बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं उनके क्वेश्चन को देख लेती हूँ, उसके बाद मैं उसी में आपके आंसर को भी दे दूँगी। तो मैं इनकी बात कर रही थी और इन्होंने भी मुझसे सेम पूछा, तो मैं आपका रिप्लाई देती हुए कहूँ कि सच बताओ तो हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जो पसंद प्यार पे होते हैं उन्हें प्यार का मीनिंग बहुत अच्छे से पता चलता है। तो अपार्ट फ्रॉम मेरा बॉयफ्रेंड या क्रश, मैं सच बताऊँ तो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड या क्रश से ज़्यादा मुझे वांगशन या ईजान से प्यार है। सच में मैं उनसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे फ़ोन में 4 एल्बम्स हैं, पहला वांगशन के लिए, दूसरा ईजान के लिए, तीसरा ऑफकोर्स मैंग ईबो के लिए, और चौथा शौजान और बीन के लिए। मैंने उनके लिए पूरी एक एल्बम चार्ट बनाई जिसमें अराउंड 5,000 फ़ोटोज़ हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे फ़ोन में मेरी फ़ोटोज़ 50 होंगे और उनके पूरी 5,000 फ़ोटोज़ हैं मेरे फ़ोन में। और सच बताओ तो मैं, हाँ, मैं उनसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ। और बात मेरी क्रश या बॉयफ्रेंड की है तो हाँ, मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है, पर हाँ मुझे क्रश ज़रूर है। हाँ मुझे क्रश है, और इनफैक्ट 14 सालों से, लास्ट 14 ईयर्स से हम दोनों एक साथ पढ़े हैं, पूरे क्लास में हम दोनों क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और हम दोनों बातें भी करते हैं अभी। अच्छा, और मुझे वो पर्सन बहुत अच्छा लगता है, वो मेरी क्लास से ही है। हाँ मुझे लगता है कि वो मुझे एज अ फ्रेंड ट्रीट करता है, एज अ फ्रेंड मानता है। उसके दिल में मेरे लिए कोई क्रश वाली फीलिंग्स नहीं है, पर शायद से मेरे दिल में है थोड़ी थोड़ी सही, पर हाँ है। आप उसे थोड़ा फ्रेंडशिप कह लीजिए और थोड़ा अपनापन आ जाता है। 14 साल हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई की है, तो ऑफकोर्स थोड़ा थोड़ा होता है। और क्रश की बात करूँ तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत कह लीजिए कि क्रश है। और मुझे जानकर अच्छा लगा कि आप भी वाराणसी से हैं, और आई होप हम दोनों कभी ये फ्यूचर मिले। तो आप भी कॉलेज में हैं, तो आप मेरी सीनियर ही हुई। तो मैंने अपना नाम पहले ही बता दिया है, पर मैं इस वीडियो में फिर से बताती हूँ कि मेरा नाम नैन्सी है और मैं क्या करती हूँ। मैं पढ़ाई करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे जॉब के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो हाँ मैं स्कूल स्टूडेंट ही कह लीजिए मुझे हूँ। और मुझे क्या ज़्यादा पसंद है, हाँ ये चारों ऑप्शन बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मुझे ईबो और लाइन वांगटी दोनों ही मैथ्स की तरह पसंद है, और अगर उन दोनों में चूज़ किया जाए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सच बताओ तो वो दोनों ही मेरी फैंटेसीज हैं, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है किसी एक को चुनना। पर अगर देखा जाए तो लाइन वांग जी, तो वो तो बींग का है, अगर मैं उस पर हक जमाऊँ तो बींग को मुझे बींग से कौन बचाएगा। तो ऑफकोर्स मैं अभी ईवो को चुनती हूँ, क्योंकि अभी ईवो सिंगल है और उसका कोई भी मैरिज की बात नहीं हुई है शौजान से, तो अभी मैं ईवो को क्लेम कर सकती हूँ। तो ऑफकोर्स मुझे ईवो पसंद है। और वांश, और कौन सा फिर ज़्यादा पढ़ना पसंद है, तो सच बताऊँ तो ऐसा कोई नहीं है कि मुझे क्या ज़्यादा पसंद है, देखा जाए तो मुझे दोनों ही पसंद है, और मैं खुद भी लिखती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पसंद है कोई नहीं पसंद है, ज़्यादा पसंद ऐसी बात नहीं है। जहाँ वांशन और ईजान हो, जहाँ मेरे ईबो जान छोजान बींग हो, लन जाओ ऑफकोर्स वो मेरे दिल में है, तो कोई कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, मुझे सब बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा। और नेक्स्ट है, क्या मेरी फैमिली जानती है, तो नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने अभी तक उन्हें नहीं बताया कि मैं FF एक्सप्लेन करती हूँ, इनफैक्ट मैं छुप छुप के करती हूँ, तो
वो नहीं जानते, और अगर मैं उन्हें बताऊँ तो वो मुझे कभी इसे लेकर सपोर्ट नहीं करेंगे। रीज़न बहुत सारे हैं पर मैं बता नहीं सकती, सॉरी इसके लिए। और ऑफ कोर्स नॉट डियर, यू आर सो स्वीट, आपके पास पूरा राइट है मेरे बारे में जानने का, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा आपके ये प्यारे से कमेंट को देखकर। आपने मेरे लिए स्पेशली इतना टाइम निकाला इतनी बड़ी कमेंट करने के लिए, तो इसका सो मच। और हाँ, हो सकता है कि आखिरी पार्ट थोड़ा सीरियस आवाज़ था क्योंकि बारिश हुई थी और मेरा थोड़ा गला बैठ गया था, तो हो सकता है आपको थोड़ा लगा हो, पर मैं सीरियस बिल्कुल भी नहीं थी, इनफैक्ट मेरे गले में थोड़ा दिक्कत था उस समय। और थैंक यू सो मच कि आपको मेरी स्टोरी इतनी अच्छी लगती है, और आपका बहुत बहुत थैंक यू मुझे समझने के लिए कि मेरी पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो थैंक यू सो मच। और आपको मरमैन स्टोरी अच्छी लगी मुझे जान के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरी सबसे पहली स्टोरी थी और वो आपको इतनी पसंद आई ये जानकर मुझे सच में दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप सच में कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, तो ऑफकोर्स आप मुझसे बड़ी हुई तो आप मेरी सिस हुई, तो थैंक यू सो मच सिस, आपने मुझे इतना सारा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा लव किया, थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेरा फेवरेट कलर ऑफकोर्स वो पिंक है बाकी लड़कियों की तरह, पर सच बताओ तो मुझे पिंक के डिफरेंट शेड्स बहुत पसंद हैं, और अब जब से मुझे ईवो से प्यार हो गया ना, मुझे पता नहीं क्यों ग्रीन भी बहुत अच्छा लगने लगा सच में। और फेवरेट फूड, सच में मैं इतनी ज़्यादा भूखा हूँ कि मुझे खाना मिल जाना चाहिए, मैं खा लूँगी, पर अगर फेवरेट की बात हो तो मुझे पाव भाजी और पनीर की डिशेस मुझे बहुत पसंद है, कोई भी हो मुझे चलेगी। और ऐसे मुझे सैंडविचेस, ग्रिल सैंडविच बहुत पसंद है, और ऑफ़ कोर्स मेरी फेवरेट बटर स्कॉच आइसक्रीम, मुझे वो बहुत पसंद है। और इनफैक्ट मैं वीडियोस में ईवो को भी इतना ज़्यादा फूडी बना दिया। तो बॉलीवुड मूवीज़, सच बताओ तो मैं बिल्कुल भी बॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखती हूँ, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है सीरियल्स में या उसमें हीरो हीरोइंस होती हैं, उनमें हीरोइन को कुछ हो जाता है, वो किडनैप हो जाती है, हीरो से बचाता है, एक्शन होता है, गाना होता है, और बस ख़त्म। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, ये कितना ज़्यादा ड्रामेटिक, बहुत ज़्यादा टू मच ड्रामा होता है, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने बहुत सालों से बॉलीवुड मूवीज़ छोड़ ही दी है, और इनफैक्ट मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। मैं उसकी जगह के ड्रामा और सी ड्रामा देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। पसंद क्या करती हूँ मैं, वही देखती हूँ। आपको पता है मेरे, अगर आप मेरा यूट्यूब खोल के देखेंगे मेरा रियल अकाउंट पे, तो उसमें केवल आपको वांगशन, ईजान या न्यू जो अपडेट्स आती हैं, मीन्स न्यू जो सीरीज आती हैं, बस उसके ही नोटिफिकेशन भरे पड़े हैं। और ऑफकोर्स तो मुझे बॉलीवुड बिल्कुल पसंद नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और ईवो और जान ऑफकोर्स ये हो चुका है, तो कमेंट्स, हाँ ऐसा नहीं है कि हेट कमेंट्स नहीं आते, अभी ही मुझे कुछ समय पहले इनफैक्ट मेरी लास्ट वीडियो पे शायद से मुझे कमेंट आया कि आपकी वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपकी कैसी अजीब सी स्टोरी है आप। यूजुअली मैं यूट्यूब स्टूडियो पे सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो आई थिंक मुझे याद नहीं कि वो एग्जैक्टली किस वीडियो पे आया था, पर उन्हें वो पसंद नहीं आया और मैं उन पर क्या रिप्लाई दूँ मुझे खुद समझ नहीं आया, तो मैंने जस्ट इग्नोर किया, क्योंकि अगर 5000 लोग आपको पसंद कर दें, आपको देखते हैं, मेरी व्यूज़ अराउंड 3 तो जाते हैं या 2 जाते हैं, तो अगर इतने सब लोग मुझे पसंद करते तो 1-2 का मैटर नहीं करता, अगर उन्हें मेरी स्टोरी पसंद नहीं तो मुझे उस पर कोई कुछ नहीं करना, मैं ये स्टोरी अपनी खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए लिखती हूँ, तो ये डिपेंड करता है कि हाँ हो सकता है कुछ कुछ स्टोरीज पसंद ना आए या व्हाटएवर उनके क्या रीज़न्स है, पर मुझे, मैं ये स्टोरीज बहुत प्यार से लिखती हूँ, तो मुझे ये स्टोरीज बहुत पसंद है, और मुझे ज़्यादा माइंड नहीं करती मैं कि मुझे हेट कमेंट्स आए, क्योंकि मुझे ज़्यादा हेट कमेंट्स नहीं आते, और इनफैक्ट मेरे अभी तक मुझे बहुत ही कम आए हैं, 3 या 4 ही आए होंगे जो मैंने रीड किए होंगे, और मोस्टली मैं इग्नोर करती हूँ उन सबको, मैं कोई भी कमेंट उस पर नहीं करती, और ये उन पर डिपेंड करता है कि ये उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें लगता है कि स्टोरी अच्छी नहीं है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती,
एज अ राइटर, एज अ एक्सप्लेनर मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आई जस्ट इग्नोर देम. तो आई होप मैंने आपके आंसर दे दिए हैं, और थैंक यू सो मच, आपने मुझसे इतना कुछ पूछा, आपने मेरे बारे में इतना कुछ इंटरेस्ट लिया, तो थैंक यू सो मच इतना सारा क्यूट कमेंट करने के लिए. तो नेक्स्ट, तो मेरा फेवरेट फूड तो मैंने बता दिया, फेवरेट सॉन्ग, हाँ ऐसा नहीं कि मेरा कोई फेवरेट सॉन्ग है, क्योंकि मुझे मोस्टली रोमांटिक या सैड सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद है. और अगर आप चाहते हो कि आप मेरी सॉन्ग की प्लेलिस्ट देखो, तो आप मेरे सेकंड चैनल पे विज़िट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ, शॉर्ट्स, म्यूज़िक वीडियोस, उसमें मैं जो भी सॉन्ग यूज़ करती हूँ वो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं, और मैं जो डेली सुनती हूँ मैं उसी पर वीडियोज़ बनाती हूँ, तो आप उसे चाहे तो चेक कर सकते हो. और तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैं अपना वक्त कैसे बिताती हूँ और मेरी हॉबीज़ क्या है. और थैंक यू सो मच कि आपको मेरी वीडियोस प्यारी लगी, अच्छी लगी, तो थैंक यू सो मच, और आपको भी ढेर सारा लव, सो क्यूट, थैंक यू सो मच डियर. तो मैंने बता दिया है पहले कि मेरा नाम क्या है, और थैंक यू सो मच डियर इतना सारा लव भेजने के लिए, इतना सारा हार्ट भेजने के लिए, थैंक यू सो मच. एंड मेरी एज मैंने बता दिया है, नाम, कॉलेज या स्कूल, कौन बेटर होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, तो मुझे कॉलेज लाइफ कैसी होती है मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसका आंसर दे पाऊँगी कि कौन बेटर है. तो आई होप इन फ्यूचर मैं इसका आंसर दूँगी. तो हाँ सच में गाइस, आपको सच में ऐसा लगता है कि मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव हो जाती हूँ कभी कभी, कि आपको सच में लगने लगता है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ. मैंने पहले इसका आंसर दे दिया, तो आई होप आप उससे ओके होंगी इसे जानकर. सच में मेरी फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव हो जा रही हैं. ओहो तो गाइस थैंक यू सो मच इतना सारा लव भेजने के लिए, आई ऑल्सो लव यू डियर सो मच सो मच सो मच. तो अब हम नेक्स्ट देखें, हो वेलकम डियर सो मच, और मैं जल्दी से आपको नेक्स्ट पार्ट भी शेयर करती रहूँगी. और आई होप मैंने आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, और आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगती, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई. एक एक्सप्लेनर को इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि उसकी ऑडियंस को उसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती, इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि ऑफकोर्स आप मुझे मेरा चेहरा आपने देखा नहीं है, आप जानते नहीं कि मैं कैसे एक्सप्लेन करती हूँ, मेरे हाव भाव कुछ नहीं देखा, पर आप मेरी आवाज़ को इतना ज़्यादा पसंद करते हो, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा. सो मच लव यू डियर सो मच सो मच सो मच. और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरी सिस को एक डाउट है कि मैंने जो नई स्टोरी के बारे में बोला था, तो मैं अपनी प्यारी सी सिस को बताना चाहती हूँ कि हाँ ये स्टोरी एक ही है. हम जानते हैं कि वांगीबो ही लंजा है, शौजान ही वींग है, ये बात सबको पता है. हाँ पर इस स्टोरी में वो चारों हैं, अलग अलग हैं, और किसी एक पॉइंट पे ये बस दो हो जाएंगे. ये स्टोरी के मेन प्लॉट्स हैं, ट्विस्ट है, टर्न्स है, ये स्टोरी बिल्कुल मिस्ट्री से भरी हुई, बहुत सारा ठूस ठूस के मैंने इसमें मिस्ट्री भरा हुआ है, जैसे आपने मरमैन में देखा था, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही ठूस ठूस के मिस्ट्री भरा हुआ है, और सारी मिस्ट्रीज एंड में खुलेंगे. तो क्योंकि मैंने देखा था मरमैन के FF को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, और अभी भी आपने कमेंट में देखा, स्टार्टिंग मैंने कहा था कि मेरी सिस को उन्हें बहुत पसंद आया, तो मरमैन FF, तो मैंने ये FF बिल्कुल वैसे ही लिखा है, ठूस ठूस के, इसमें बहुत सारा क्यूटनेस भरा है, सीक्रेट्स हैं, मिस्ट्री है, फाइटिंग सीन्स है, तो ये काफ़ी क्यूट सी FF है. और आप फिक्र मत कीजिए, धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ बता दूँगी. और रही बात इस FF के ट्रेलर की, तो मैं उसे जल्दी रिलीज़ कर दूँगी, आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि हाँ मुझे याद है कि मुझे न्यू FF स्टार्ट करनी है, और मैंने ऑफकोर्स बहुत लेट कर लिया, बहुत दिन लग गए इसे होने में, तो ऑफकोर्स मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दूँ. तो अब मुझे जब भी नेक्स्ट टाइम मिलता है ना इस ब्यूटीफुल एक्सीडेंटल हस्बैंड के
FF को कंप्लीट करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं दो न्यू FF एक साथ स्टार्ट करूँ, तो ये मेरे टाइम पे डिपेंड करता है, देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, अब हम लोग किसी और क्वेनी वीडियो में मेरे बारे में और कुछ जानेंगे। तो ऑलवेज लव वांगशी एनी जन, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।